जिस वक्त मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था तब तक पठान मूवी ने कमा लिए थे 5 दिनों के अंदर 315 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में और सिर्फ इंडिया के अंदर। इसमें अदर लैंग्वेज और वर्ल्ड वाइड का जो बिजनेस है वो इंक्लूड नहीं है, जिसका मतलब ये है कि ये फिल्म ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ लोग इस तरह के दावे कर रहे हैं कि नहीं, ये फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं हुई, और ये बात प्रूव करने के लिए वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग पोस्ट कर रहे हैं बुक माई शो और पेटीएम की, और उसमें दिखा रहे हैं कि देखो भैया शो तो खाली पड़े हैं। अब जरा सोचिए, एक फिल्म जो इतना बिजनेस कर रही है उसके बारे में इस तरह के दावे हो रहे हैं, तो क्या सच है क्या सच नहीं है, उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। राम राम दोस्तों, मैं हूँ राहुल दहिया, आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। तो ये जो लोग दावे कर रहे हैं उन स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स को डाल के बुक माई शो की पेटीएम की, दरअसल में इसमें एक बहुत बड़ा झोल है। बहुत बड़ा झोल ये है कि आज मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना ली पेटीएम पर मूवी वाला सेगमेंट खोल के, लेकिन जो मैंने शो सेलेक्ट किए हैं वो अभी सुबह का वक्त है, मैंने रात के सेलेक्ट किए हैं, कल के सेलेक्ट किए हैं। जाहिर सी बात है वो तो खाली रह नहीं है, अधिकतर टिकट 1 घंटे पहले बिक रहे हैं और 1 घंटे पहले सभी टिकट बिक जा रहे हैं, खासकर वीकेंड्स पर। यहाँ तक कि मंडे ट्यूसडे में भी 20 करोड़ से ऊपर का बिजनेस किया, जो अपने आप में बड़ी बात है। अब जो दूसरा दावा कर रहे हैं, दूसरा दावा ये है कि शाहरुख खान खुद टिकट खरीद रहे हैं और लोगों में बांट रहे हैं, और शाहरुख खान ने अपनी हाइप बना रहे हैं, कुछ ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। अब इसके बारे में बात करते हैं। ये वही लोग हैं जो कुछ दिनों पहले तक कहते थे कि अगर पठान फ्लॉप हो गई तो शाहरुख खान का मन्नत बिक जाएगा। वो लोग कह रहे हैं कि शाहरुख खान के पास इतना पैसा आ गया, पहले 250 करोड़ के बजट की फिल्म बना ली YRF के साथ मिलके, अब उसके टिकट भी खुद खरीद रहे हैं और थोड़े बहुत नहीं बल्कि 300 करोड़ की कीमत के, और फिर उनको लोगों में बांट रहे हैं। ये लोग अपने क्लेम को यहीं पर खुद रिजेक्ट कर देते हैं। और दूसरी बात, अब जरा इसको आसान तरीके से समझिए। मान लीजिए आपने कोई दुकान खोली है, उसमें आपने लाखों रुपए का इन्वेस्ट किया है। अब क्या आप उसमें से खुद ही सामान खरीद खरीद कर उसको बिजनेस में गिनेंगे और अपने मन को तसल्ली देंगे कि बढ़िया मेरी तो दुकान चल रही है? जाहिर सी बात नहीं करेंगे आप ऐसा। तो फिर शाहरुख खान ऐसा क्यों करेंगे? अपना अगर कोई लॉस वाला बिजनेस है उसमें और पैसा क्यों डालेंगे? अगर पठान फिल्म फ्लॉप होती तो शाहरुख खान तब भी टिकट नहीं खरीदते अपनी फिल्म के, और अब जब हिट हो रही है अब भी नहीं खरीदेंगे। और अब बात करते हैं कि इस फिल्म ने इतना कलेक्शन क्यों किया, आखिर ऐसे क्या कारण थे? क्योंकि फिल्म में कहानी तो कोई खास नहीं है, वही घिसी पिटी कहानी बॉलीवुड की जो एक था टाइगर में थी, टाइगर जिंदा है में थी, यहाँ तक कि वॉर में भी थी। और इस कहानी पर साउथ में और बॉलीवुड में अब तक कितनी ही फिल्में बन चुकी हैं, वही कहानी के बावजूद फिल्म ने इतना बिजनेस कैसे कर लिया? पहला सबसे बड़ा कारण, शाहरुख खान की 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी। जब शाहरुख खान कहते हैं वो बॉलीवुड के आखिरी सुपरस्टार हैं तो वो गलत नहीं कहते। इसके बाद बॉलीवुड में कोई सुपरस्टार नहीं आएगा, और ये बात दर्शक भी अच्छी तरह से समझते हैं। और अब जब शाहरुख खान 4 साल बाद फिल्म लेकर आ रहे हैं तो दर्शक उसको मिस नहीं करना चाहते, और इसीलिए बड़ी तादाद में शाहरुख खान की फिल्म देखने लोग पहुंचे। दूसरा कारण, फिल्म में एक्शन सीन कमाल के हैं। शाहरुख खान के ज़्यादातर एक्शन सीन उनके बॉडी डबल ने किए, दीपिका पादुकोण के ज़्यादातर एक्शन सीन उनके बॉडी डबल ने किए, इसलिए वो एक्शन सीन देखने में कमाल के लगते हैं। साफ पता चलता है फिल्म को देखने से कि फिल्म में भारी भरकम बजट खर्च हुआ है, और ये चीज़ें देखने के लिए लोग पहुँचते हैं, और इस तरह की फिल्में आमतौर पर हिट हो ही जाती हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण, बॉयकॉट बॉलीवुड गैंग ने जिस तरह से इस फिल्म का बज़ बनाया, इस बज़ क्रिएट किया, उससे फिल्म को फ़ायदा हुआ। लोग परेशान हो गए बॉयकॉट बॉयकॉट सुनकर कि यह तो डायरेक्टर की मर्ज़ी है उसको हीरोइन को क्या पहनाना है, और अगर इस बात पर भी बॉयकॉट होने लगेगा तो भला कब तक बॉलीवुड भी ये सब बर्दाश्त करेगा और बॉलीवुड को देखने वाले लोग ये सब बर्दाश्त करेंगे। यहाँ तक कि शाहरुख खान के लिए सिंपैथी क्रिएट की उन लोगों ने जो शाहरुख खान की फिल्म का बायकॉट सिर्फ इस वजह से कर रहे थे क्योंकि वो मुस्लिम है, जिसके बाद और भी ज़्यादा तादाद में लोग फिल्म देखने पहुँचे, और अब इसका नतीजा सबके सामने है। शाहरुख खान की फिल्म ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जवान के लिए कमाल का बज़ बन गया है, और शाहरुख खान की फिल्म पठान बाहुबली 2 के रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल दहिया, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।